वेल दोस्तों, यदि आपने फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर किया और आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न या फिर उसको कैंसिल करना चाहते हो और दोस्तों आपका जो पैसा आपके अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, यदि आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ या फिर आपकी यूपीआई में या फिर आपके क्रेडिट कार्ड में यदि आपका अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ, तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं इसका क्या सोल्यूशन है, किस प्रकार से अपने अकाउंट में पैसे कैसे आप क्रेडिट कर सकते हैं, कैसे आप रिसीव कर सकते हैं। सो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो के मार्फत सब कुछ आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से प्रोसेस होता है और कैसे अपना दोस्तों रिफंड अपने अकाउंट में या फिर अपने क्रेडिट कार्ड में कैसे मंगा सकते हैं। सो यदि आपको भी जानता है वीडियो के साथ लेकर तक बने रहेगा तो चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है बिना देर के शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद है वीडियो को जोर से लाइक कर लीजिएगा और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि दोस्तों इसी प्रकार की सभी वीडियो को सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट को मुझे रिफंड मंगाना है, कैसे मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो आपको प्रोडक्ट है आपको अपने माई अकाउंट वाले सेक्शन में क्लिक कर देना एंड दोस्तों यहाँ पर आपको माई ऑर्डर वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से जितना भी दोस्तों आपका ऑर्डर रहेगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है तो मुझे प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट को रिटर्न करके यानी कि कैंसिल करके आपको दिखाता हूँ, उसके बारे में आपको बताऊँ कितने दिन के अंदर आपके पैसा आपके अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका प्रोडक्ट यानी कि डिलीवर हो चुका है उस पर रिटर्न में जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको रिटर्न करने का बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं जो भी आपका रीजन है आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर जो आप फर्स्ट रीजन है यहाँ पर आप सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट यानी कि पसंद नहीं है तो मैं यहाँ पर उसका कमेंट यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर जो भी आप कमेंट लिखते हैं एंड उसको आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। तो सो यहाँ पर चलिए मैं अपने कमेंट को यहाँ पर करता हूँ, जो भी आपको कमेंट यहाँ पर लिखना है आपको यहाँ पर कमेंट, तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी आप कमेंट देना चाहते हैं अपने हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो। जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं एंड नीचे आपको सेक्शन मिलता है कंटिन्यू का, यहीं पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जो आपको कमेंट यहाँ पर आपको सबमिट कर देना। चलिए मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करते हैं दोस्तों इसके आगे पेज में कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर आप जैसे व्हाट इज वांट ऑफ रिटर्न, आप क्या करना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं या फिर रिफंड करना चाहते हैं या फिर एक्सचेंज। सो यहाँ पर आप देखते हैं आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, यदि आप एक्सचेंज करना चाहते हैं यहाँ पर आपको बहुत से इससे रिलेटेड यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मुझे इसको रिफंड करना है यहाँ पर रिफंड पर क्लिक कर देना। सो यहाँ पर आप देख सकते यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर द गिफ्ट कार्ड वैलेट, यदि आप गिफ्ट कार्ड में पैसा मंगाना चाहते हैं आपको सेलेक्ट कर देना या फिर आप ओरिजिनल पेमेंट मोड, यदि आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया जिस भी चीज़ से आपने पेमेंट किया उस अकाउंट भी डायरेक्ट यहाँ पर पेमेंट आपका सबमिट हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल पेमेंट मोड में आपने जिस चीज़ से पेमेंट किया वो यहाँ पर आपका अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, आपका अमाउंट यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। तो सो यहाँ पर आप ओरिजिनल पेमेंट मोड पर जैसे आप क्लिक करते हैं एंड नीचे कंटिन्यू एक्सेस मिलता है, यहीं पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो सो यहाँ पर आप दो ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पर पिकअप का उसके बाद आपका रिफंड का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका अमाउंट जो भी प्रोडक्ट है आपका पिकअप होगा, उसके बाद दोस्तों आपका जो रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, रिटर्न सक्सेसफुल हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप जैसे चेक स्टेटस पर क्लिक करके इसका आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पर रिटर्न आईडी नंबर ऊपर आपको देखने को मिल जाता है और दोस्तों यहाँ पर जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर व्यू ऑर्डर पर क्लिक करके आपका रिफंड एक्सेप्टेड कर लिया गया। जैसे कि यहाँ पर आप देखते सबसे ऊपर आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर रिफंड अप्रूव्ड हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर आज ही मेरा रिफंड अप्रूव हो चुका है। सो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा स्टेटस दिखाता है कि आपका कितने दिन के बाद आपको अप्रूव हुआ, कितने बार आपको पिकअप किया जाए, उसके बाद आपका रिफंड आपको कितने तारीख तक हो जाएगा। सो यहाँ पर बताया गया सबसे ऊपर आप देखते हैं यहाँ पर जो मेरा रिटर्न है यहाँ पर एक्सेप्टेड हो चुका है, जो रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पर अभी दिया वो यहाँ पर आपको 1 अप्रैल का यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको कितने तरीके से आपका पिकअप हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा कि आपका कितने तरीके आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और दोस्तों जैसे मैं इसके दूसरे दिन में मैं यहाँ पर मैं अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर दूँ, जैसे मेरा पिकअप हो गया तो यहाँ पर जो भी अकाउंट है सर्विस क्लिक करेंगे अपने माई ऑर्डर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी ऑर्डर है यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपसे रिफंड कंप्लीटेड हो चुका है, सो यहाँ पर आपको बताया जाएगा जैसे कि मेरा पिकअप हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों दिखा रहा है रिफंड कंप्लीटेड, बट यहाँ पर मुझे यानी कि रिफंड यहाँ पर अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आपसे रिफंड यहाँ पर टुमारो दिखा रहा है, जैसे आप नीचे देख सकते हैं आपको यहाँ पर सब कुछ शो हो जाएगा, जैसे कि पिकअप भी हो चुका है एंड दोस्तों यहाँ पर मुझे रिफंड भी वेरीफाई हो चुका है, रिफंड में मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया है बट मेरे अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट से जो पेमेंट है आपको भेज दिया गया है बट आपके क्रेडिट कार्ड में या फिर आपकी यूपीआई या फिर आपके बैंक में अभी क्रेडिट नहीं हुआ है। सो यहाँ पर बताया कि आपको टुमारो या फिर कितने तारीख को आपको अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पर खुद फ्लिपकार्ट यहाँ पर मेंशन करते हैं, कुछ यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम लगता है, प्रोसेसिंग डेज लगता है, उसके बाद आपके अकाउंट में या फिर आपके क्रेडिट कार्ड में पैसा आसानी से रिसीव हो जाता है। यदि आपको मेंशन किया डेट पर यदि आपका पैसा रिसीव नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चले जाना चाहिए आपको क्या करना पड़ेगा आपका पैसा रिसीव नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सही प्रोसेस बता दी कितने दिन के अंदर आपका पैसा रिसीव हो जाता है, कितने दिन के अंदर आपका पैसा क्रेडिट हो जाता है, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स आपको बता दी। यदि आपका क्रेडिट कार्ड में यदि आपका पैसा रिसीव नहीं होता है दोस्तों, मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड में या फिर आपके बैंक
अकाउंट में पैसा रिसीव नहीं होता है दोस्तों, आपको ये काम करना पड़ेगा जो कि मैं आपको बताने वाला। जैसे कि दोस्तों आपको मान लें पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो दोस्तों आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया उसका जो रेफरेंस आईडी नंबर होता है, जिसका उसका ट्रांजेक्शन आईडी नंबर होता है, जैसे यहाँ पर पेमेंट सेंड किया तो आप कस्टमर केयर से बात करेंगे दोस्तों, वो बता देंगे आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी नंबर। आपको रेफरेंस आईडी नंबर पता करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपने बैंक से या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कटाया हुआ दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कस्टमर से बात करना पड़ेगा, बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड के कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा जो मेरे ट्रांजेक्शन आईडी नंबर है। और यहाँ पर आप चेक कीजिए कि मेरा पेमेंट, जैसे कि मैंने फ्लिपकार्ट से ये सामान ऑर्डर किया और अभी तक मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ है, तो वो चेक करके आपको दिखा दें क्या यहाँ पर दिक्कत आ रही है और क्या यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है जिसका यहाँ पर पैसा आपका रिसीव नहीं होता है। वैसे दोस्तों यहाँ पर आपको जो पैसा मिनिमम तरीके से आपके अकाउंट में रिसीव हो जाता है, बट यदि आपका पैसा रिसीव नहीं हुआ तो आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर आईडी आपको मालूम होगा वही दोस्तों आपको कस्टमर केयर से बताना पड़ेगा, तब दोस्तों वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ पर फंसा है और किस कारण की वजह से आपका पैसा अभी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। दोस्तों सिर्फ यही प्रोसेस जिससे अपना पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। दोस्तों फिलहाल आपको इस वैल्यू नंबर से ही एक छोटी जानकारी देने वाले, यदि आपको इसे संबंधित जो भी कोई आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको अगली वैल्यू में या फिर तो आपको नीचे कमेंट में रिप्लाई देगा, आपको समझने की मैं जरूर कोशिश करूँगा। फिलहाल तो आपको इस वैल्यू में बस यही एक छोटी जानकारी देने वाले, तब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वह धन्यवाद नहीं की, कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि दोस्तों इसी प्रकार की सभी वीडियो को सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए तो फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएं जवाब वंदे मातरम।